नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा, मेरा विषय चल रहा है आजकल, मैं बता रहा हूँ आपको लगातार पिछले एपिसोड में भी, आयु रेखा के बारे में। आयु रेखाओं का कहाँ कहाँ से निकलना, कहाँ कहाँ पर पहुँचना, किस किस तरीके से उन रेखाओं के प्रभाव को मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, उसी विषय पर आज मैं कुछ और प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं सीधा विषय पर। यहाँ बात कर रहे हैं हम आयु रेखा के बारे में, और आयु रेखा की यदि बात करते हैं तो उसका उदय होता है यहाँ पर आपके प्रथम मंगल और बृहस्पति पद के बीच से, यानी ये यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से आयु रेखा होती है। परंतु इस आयु रेखा के अंदर किसी व्यक्ति के पास में यदि इसी आयु रेखा से एक शाखा निकल करके और आपकी आयु रेखा में सम्मिलित हो जाती है, समाहित हो जाती है, अलग से नहीं जाती, नीचे अंदर काट कर नहीं जाती और इसमें समाहित हो जाती है, यानी इसमें मिल जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, मैंने आपको बताया कि जहाँ ये आपके जीवन में लंबी आयु के लिए, अच्छी आयु के लिए, 90 प्लस की आयु के लिए ये रेखा जानी जाती है, तो साथ ही साथ इस रेखा के अंदर दूसरी क्वालिटी यही है कि व्यक्ति जो इच्छाएं मन में करता है उनकी प्राप्ति करता है, यानी कुल मिलाकर उच्च सफलताएं प्राप्त करता है, अपने जीवन के टारगेटों को पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति के पास भवन अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, पद प्राप्ति, व्यवसाय या अगर राजनीतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में चाहता है तो व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। तो बृहस्पति पर्व से शुभ आरंभ होकर के यदि आयु रेखा इस प्रकार से चलती है तो उस रेखा का फल यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ और के बारे में। तो एक रेखा आपको मिलेगी, आपको यदि आपने देखा हो तो कई व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत आयु रेखा यहाँ पर है, और ये आयु रेखा और यहीं पर एक बहुत बिल्कुल भी अगर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि यहाँ पर व्यक्ति के एक ट्रायंगल है, बिल्कुल शुरुआत से ट्रायंगल दिख गया। यहाँ शुरुआत से ट्रायंगल दिखाई दिया, इसका मतलब बिल्कुल सीधा हो गया कि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है। जीवन में उच्च प्राप्ति करेगा नहीं करेगा ये एक अलग बात है, व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है यानी उस कुल की जो प्रसिद्धि है, इसमें कोई भी ऊपर तक इस प्रकार से ट्रायंगल आगे ना निकल जाए। यदि ये ट्रायंगल इस प्रकार से है तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक उच्च कुल में पैदा हुआ, एक साभ्रांत परिवार के अंदर पैदा हुआ, व्यक्ति के परिवार की दूर दूर तक पहचान है, और ऐसे व्यक्तियों का कम से कम 15 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक तो इतना ज़्यादा आनंद पूर्वक जीवन बीतता है कि उनके आगे पीछे नौकर घूमते हैं, उनके पास सभी संसाधन व्यक्ति मांगता है, एक खिलौना मिलते हैं तो खिलौने तोड़ देता है, हजारों रुपए का नुकसान करता है, कुछ नहीं, लेकिन इसके पास कोई कमी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ के अंदर अगर ट्रायंगल है और वो स्वतंत्र है, तो आज भी अगर उनकी आयु ज़्यादा भी है और उस चिन्ह को उनको प्राप्त है, तो वो देख सकते हैं कि बिल्कुल उनके जीवन का शुरुआती प्रारंभ किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ पर ट्रायंगल होना इस प्रकार का उद्घोषक है, इस प्रकार का संकेत है, ये आप बहुत आसानी से अपने हाथ के अंदर देख सकते हैं। एक और चिन्ह की बात करते हैं, बिल्कुल अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये अगर आपके हाथ के अंदर है, आपने देखा और ये यहाँ से किसी प्रकार से शाखा जाकर के इस प्रकार से चली और यहाँ पर एक सुंदर सा मछली का चिन्ह उस रेखा ने बना दिया, ये आपको अगर इस प्रकार से सीधी मछली बन रही है तो ये इस प्रकार का संकेत है कि व्यक्ति और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी मछली हो सकती है, किसी प्रकार से भी मछली बने, उसका सीधा सीधा संबंध है कि व्यक्ति
जीवन के अंदर, यदि ये आगे को देख रही है, इसका आगे को देखने का संबंध ज्यादा है, यदि ये आगे को तरक रही है तो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली होता है कि 5 वर्ष का बच्चा बात करता है ज्ञान की, 12 वर्ष के व्यक्ति की, 12 वर्ष का व्यक्ति बच्चा ज्ञान करता है, बातें करता है, 20-22 वर्ष के बहुत प्रतिभाशाली होता है, बहुत योग्य होता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रतिभा व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है, ये जब तक कोई बुरा चिन्ह यदि नहीं है तो प्रतिभा बढ़ती जा रही है। और यही मछली का चिन्ह यदि अंत में भी बन गया तो भाई इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी यदि ये यहाँ पर भी बन रहा है किसी भी प्रकार से, तो ये अपने आप में बताता है, नीचे से बने चाहे ऊपर से बने, कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन में यदि ये मछली का चिन्ह यहाँ पर भी बन गया तो ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रारंभ से लेकर आखिर तक सभी साधनों से सज्जित रहते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं। देखिए बात आयु रेखा की है तो अच्छा स्वास्थ्य भी होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, बीमारियों से ज़्यादा उलझना नहीं पड़ता और जीवन भर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सोच के अंदर कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होती। तो ये एक रेखा का यहाँ पर आप जान सकते हैं मछली के चिन्ह के द्वारा। किसी किसी व्यक्ति के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ एक तरीके से झाड़ू लग गई, या आप कह दीजिए कि गोपुच्छ रेखाएं हो गई, यहाँ पर ये शाखाएं इस प्रकार से दिखाई दे आपके जीवन के अंतर्गत, चाहे वो रेखा उधर देख रही हो और चाहे वो रेखा नीचे की तरफ देख रही हो। यानी यदि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये इस तरीके से देख रही है तो ऐसे ना देख करके ये रेखा चाहे इस प्रकार से देख रही हो, कुल मिलाकर के ये आपको लगेगा जैसे गाय की एक पूंछ है। कुल मिलाकर ये यहाँ पर अगर ये रेखाएं ऊपर नीचे गिरती रहती है तो ये व्यक्ति के जीवन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं जानी जाती। यानी यहाँ पर जीवन में लगातार अब कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी स्वास्थ्य गिर जाएगा, कभी स्वास्थ्य ऊपर उठ गई रहेगा उच्चा है, कभी गिर गया। रोजाना डॉक्टरों से आमना सामना, व्यक्ति के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, रोज माता पिता लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, व्यक्ति क्षीण रहता है, क्षय रोग रहते हैं, टीबी रोग रहते हैं, पीलिया हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, रोग मिला करके यहाँ पर लगातार परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह ये भी मिलेगा, एक चिन्ह और मिलता है और वह चिन्ह यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो वह चिन्ह होगा यहाँ पर आपको दीप का चिन्ह। यहाँ शुभ आरंभ से या 1-2 वर्ष बाद या एकदम शुरुआत से हो गया तो ये अपने आप में जहाँ से जहाँ तक जाएगा, व्यक्ति पैदा हुआ भर्ती हो गया सीधा नर्सरी में, वहाँ से उसको बताया गया कि और बीमारी है, इसका ऑपरेशन होगा, इसको ऑक्सीजन लगेगी, इसको परेशानी का सामना पड़ेगा, यहाँ पैदा हुआ नहीं कि बस माता पिता के लिए बोझ युक्त हो गया, खुशी मनी नहीं घर में और खुशी से पहले घर के अंदर बीमारियों का बोझ, इस प्रकार से हो सकता है, याद रखें। दूसरा यव का चिन्ह, यव का चिन्ह की जब मैं बात करता हूँ तो ये होती है एक तरीके से गेहूँ का दाना। भाई यदि आप गेहूं के दाने की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से होता है यहाँ पर, परंतु जो यज्ञ अगर बात करते हैं दीप की तो वो इस प्रकार से होता है। तो दीप और यव का चिन्ह, चिन्ह चाहे वो यव का हो, चिन्ह चाहे वो दीप का हो गया सामना रोगों से, जीवन हो गया दूभर, हॉस्पिटल में सामना, डॉक्टरों से सामना, पैसा खर्च, बीमारी और कुल मिलाकर बच्चा होना ना होना, समझ लीजिए कि माता पिता के प्रति एक बोझ बन गया है। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि इस प्रकार के आपको संबंध दिखाई दें, अगर शाखाओं में ये चिन्ह दिखाई दें तो निश्चित रूप से आपको सावधान हो जाना चाहिए। और यदि आपकी आयु ज़्यादा है तो आप माता पिता से पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में किस प्रकार से बचपन मेरा रहा। तो आगे भी मैं विषयों पर प्रकाश डालता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए। नमस्कार।